आज का वीडियो ना बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मैं मीशो से लेके आई हूँ आपके लिए 14 कुर्ता सेट्स जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग है सारे यहाँ पे रखे हुए हैं इवन मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही मैं आपको पहला कौन सा कुर्ता सेट दिखाऊं इतने अमेजिंग कुर्ता सेट मुझे रिसीव हुए हैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने ये सब मीशो से लिए हैं इवन अगर मैं आपको भी दिखाऊंगी ना तो आपको भी बिलीव नहीं होगा कि ये मीशो से लिए हुए सूट हैं मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैंने पता नहीं कौन सा मीशो कौन सी यूनिवर्स का मीशो डाउनलोड कर लिया क्योंकि मेरे पास भी वही मीशो है जो आपके पास है तो ये जो कुर्ता सेट है ये बहुत सारा ब्यूटीफुल है मतलब सूट सेट है यहाँ पर इसे आराम से फेस्टिव में और हर जगह पहन सकते हो एंड एक तो मैंने इसमें से ये पहना भी हुआ है ये भी मैं आपको आगे इसका बताऊंगी तो चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते बिना देर किए अगर आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना बैलकन प्रेस करना फॉर ऑल नोटिफिकेशन क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया कलेक्शन लेके आऊंगी मीशो मीशो से अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है ना बस देख लेना उसमें रिव्यूज जरूर होने चाहिए तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो लिंक इंस्टाग्राम पर मैं आपकी तरफ से मंगवा के आपको दिखा सकती हूँ इनकेस अगर आपको यह है कि पहले कोई इसका रिव्यू दे दे बट उसके खुद के रिव्यूज होने

कलर तो बहुत ही प्यारा है तो थ्री पीस सेट है नीचे का शरारा है दुपट्टा तो है एंड कुर्ता है तो फर्स्ट मैं आपको कुर्ता दिखाती हूँ तो ये है वो ब्यूटीफुल सा कुर्ता आप देख सकते हो कितना अमेजिंग इस पर पूरा ये वर्क है एंड यू नो वॉट जनरली हमें अगर कोई इस तरीके का वर्क आता है तो वो आपका फेक मिरर वाला काम होता है इसमें ये रियल मिरर है ये रियल मिरर है और धागे से चारों तरफ से कवर है फ्रंट से इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल आप अपनी तसल्ली के लिए देख लो आराम से बहुत बढ़िया काम दिया हुआ है इसमें यहाँ पर पूरे में मिरर का वर्क है और यह ये वाला सीक्वेंस का है यहाँ पे भी सीक्वेंस का है बीच बीच में मिरर का वर्क दिया हुआ है एंड इसकी स्लीव पे भी पूरे पे वर्क है पूरे पे सीक्वेंस का वर्क है और यहाँ पर इस वाले जो पार्ट में ना ये पूरा इसमें मिरर का वर्क है बहुत ऑसम awesome है यार मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ किसी साइड पे इस तरीके के कुर्ता सेट मुझे आज तक मिले नहीं टू बी ऑनेस्ट और इतने कम रेंज में है ये जिस हिसाब से इसका वर्क है पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है बट इसकी सीस पे दोनों साइड काम है फ्रंट और बैक इसमें ना नेक पे यहाँ पे नेट अब इसे ऐसे पहनोगे तो यहाँ पर पूरे में ऐसे नेट आएगा और उसके बाद इसका ये वर्क शो हो रहा है बहुत असम awesome है सेम यही वर्क है पूरा नीचे तक और नीचे इसमें इस तरीके की लटकन लगी हुई है अगर आपको ये लटकन समझ नहीं आ रही तो आप ये हटा भी सकते हो क्योंकि ओवरऑल जो वर्क है वो काफी ज्यादा अच्छा है ये पूरा ये धागे का दे रखा है और ये भी धागे के अंदर सीक्वेंस। ये शरारा की इलास्टिक वेस्टमेंट है फ्रंट और बैक से शरारे का आप टेक्स्चर देख सकते हो कितना प्यारा इस कपड़े का टेक्स्चर दिया हुआ है मतलब ये इतना औसम awesome है ना मतलब इसे पहनते ही ना मेरे मुंह से निकला यार वाव मतलब बहुत बढ़िया है ये ज्यादा ब्रॉड है नीचे इसमें इस तरीके का गोटा पट्टी वाला आपका बॉर्डर दिया हुआ है एंड ये पूरा फ्रंट और बैक दोनों में ही कपड़ा लगा हुआ है और गेंसा मटीरियल का दुपट्टा है और ये आप देख सकते हो उस पर पूरे पे सीक्वेंस का वर्क है और जब मैंने इसे पहना है ना पूरे सूट को मतलब इतना अमेजिंग इसका काम है नहीं मिलते यार इतना सस्ता इस काम का आपको मिल जाए पूरा ये एंड इसमें चारों तरफ यही बॉर्डर है तो ये आपको जो मिल जाएगा मीशो पे बहुत अमेजिंग कुर्ता सेट है मीशो पे कुर्ते पे दिखा रखा है मॉडल के से लटकन भी है साइड में बट इसमें कोई लटकन तो रिसीव नहीं हुई है बट कुर्ता सेट ये बिल्कुल एज इट इज़ रिसीव हुआ है जैसा मॉडल पे दिखाया है इसमें मीडियम से लेके डबल एक्सएल तक के साइज़ अवेलेबल है इसीलिए मैंने इसमें मीडियम साइज़ पिक किया है जो कि मुझे बिल्कुल कंफर्टेबली वेयर कर, कराया है मैंने और बहुत इजीली मुझे आ गया है बहुत कंफर्टेबल है ऑन स्किन और इसका मैं नेट भी आपको दिखाऊंगी पास से कि जो इसका नेट है उसमें आपको कुछ भी दिखेगा नहीं कोई क्लीवेज वगैरह बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है इतना ऑसम सूट आपको मिल रहा है कलर भी इसका इतना प्यारा है ना न्यूट ब्राउन कलर आप इसको आराम से वे कर सकते हो हर स्किन टोन पे ये सूट होगा चाहे फेयर हो मीडियम हो या डस्की स्किन टोन हो ये मिल जाएगा आपको फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स रुपीज़ में और इसमें मीडियम से लेकर डबल एक्सएल तक के साइज है कुर्ते का फैब्रिक है जॉर्जेट और बॉटम का फैब्रिक भी जॉर्जेट दिया हुआ है बहुत ज़्यादा गॉर्जियस सीक्वेंस और रियल मिरर का काम है इस पर तो अगर आपको शादी अटेंड करनी है ना अभी आने वाले टाइम में तुम ये कुर्ता सेट पहन लेना और कोई बिलीव नहीं करेगा तुमने मीशो से लिया और तुम किसी को बताने वक्त कि तुमने मीशो से लिया ये हमारा सीक्रेट है आई यू पी सी जस्ट लाइक मी एंड मिस द पीस एंड रिलेक्सेशन ऑफ बींग नेचर सो लेट मी रिड्यूस विद द न्यू परफ्यूम फ्रॉम मामा अर्थ इन टू द वैली एंड इन टू द सनसेट बहुत प्रीमियम लुक है इन परफ्यूम्स की एंड दे आर मेड से सर्टिफाइड डॉजिकल टेस्टेड हैं एंड इनका जो प्रीमियम एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है फ्रेगरेंस इंस्पायर्ड बाय नेचर इसको लगाती ही ना आपको बस ऐसा लगेगा आप टेलीपोर्ट हो गए हो फ्लावर्स ऑफ वैली में इसमें काफ़ी अच्छे नोट्स हैं मतलब वैनिला फ़्लेवर के एंड कोकोआ फ्लेवर के इंटू द वैली में एंड इन द सनसेट भी काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस है तो उनकी बॉटल काफ़ी प्रीमियम है देखने में आप पैकेजिंग देख सकते हो एंड इनको आप जब घर से लगा के निकलोगे और जब आप घर पे वापस आओगे यानी सुबह से लेके शाम तक इनकी फ्रेगरेंस बिल्कुल वैसी ही रहेगी और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे नेचर आपके साथ चल रही है इसकी जो एक फ्रेगरेंस है वो बहुत ही माइल्ड है बहुत ओवर नहीं है आप आराम से इसको लगा सकते हो अपने रेस्ट पे नेक पे और डायरेक्ट स्किन पे भी लगा सकते हो क्योंकि टर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है तो कोई भी इचिंग आपको नहीं होगी आपने कोपन कोड अप्लाई कर सकते हो एनी एच एस इनकी वेबसाइट पर जिससे मिलेगा आपको फ्लैट ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ और ये ममा की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी ऑफलाइन मिल जाएंगी एनेज़ॉन फ्लिपकार्ट नाइक पर्पल ऐप पे भी है आपको मिल जाएंगी इंटू द वैली मेरी मोस्ट फेवरेट है इसकी फ्रेगरेंस लगाते ही मुझे बिल्कुल ऐसा फील होता है आई एम टेलीपोर्टेड टू फ्लावर्स ऑफ वैली और मेरी सराउंडिंग्स भी नजर आती है आराम से ऑफिस में या मॉल में आप किसी पार्टी में जा रहे हैं आप लगा सकते हो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी इस फ्रेगरेंस को ट्राई करो लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डोंगेट टू तो अपलाई में कुर कोट जो सूट सेट है ना वो भी बहुत ज्यादा आसम है वो थोड़ा मूव पिंक कलर का है जे का फ्रंट पार्ट है ठीक है इसकी लटकन दी हुई है ज़बरदस्ती इसमें एंड इसका कलर देख सकते हो ये पहनने के बाद बहुत औसम लग रहा है इसका ये पूरा ना धागे का काम है यहाँ पर और ये सारे में ना इसे सीक्वेंस दिया हुआ है तो ये धागा और सीक्वेंस का वर्क है इसकी सीज पे भी पूरे पे सीक्वेंस और धागे का वर्क है काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें पूरे पे ही ऊपर से लेके नीचे तक वर्क है एंड इसकी जो लेंथ है ना कुर्ते की बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है आई थिंक ये हाफ था इस तरह आ रही है मेरे को और इसमें ये पूरी इसकी साइड से इतनी चाक का गई चाक खुली हुई है इसमें भी अंदर लाइनिंग दी हुई है दोनों ही साइड कुर्ते के फ्रंट और बैक में तो आपको बहुत कम्फर्टेबल रहेगा सिंगल फैब्रिक नहीं है और कम्फर्टेबल भी है पीछे से इसका लुक इस तरह ये प्लेन है इन्होंने ये जो टोरीज पर दी है ना ये किसी काम की नहीं है यार क्योंकि खुद सोचो ना आ, देखो गला इसका पीछे बहुत छोटा है जब गले बड़े होते हैं वो बार बार शोल्डर से उतरे ना इस वजह से हम डोरी लगाते हैं बट इसमें डोरी मुझे लगता है हटवा देना ज़बरदस्ती की लगी हुई है और आप चाहो तो लग, आप लगी भी रहने दे सकते हो क्योंकि इन्होंने डोरी में जो ये टेसल लगाया हुआ है ना ये इसी के फैब्रिक का ही है तो आप चाहो तो लगा के छोड़ सकते हो ट दे रखा है वेस्ट पेंट फ्रंट और बैक में है ये नीचे से आप देख सकते हो ये ऐसे फेक पैर की ब्रॉडनेस में आपको दिखा रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा ऐसे शरारा पैटर्न दिया हुआ है इसमें नीचे से गोटा पट्टी वाला काम है गोटा पट्टी तो मुझे लगता है फ्री में मिल जाती है इनको हर चीज़ में लगा देते हैं ठीक है और इसमें भी आपको डबल फैब्रिक मिल जाएगा ये शाइन मारा है ना कपड़ा बहुत सॉफ़्ट मटेरियल इन्होंने अंदर यूज़ किया हुआ है बहुत कंफर्टेबल रहेगा चुन्नी का जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं है बट ये आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से कैरी कर सकते हो तो आप चाहो तो इसको मतलब तो इसे इस ले लेना कुर्ता सेट क्योंकि काफ़ी अच्छा है गोटा पट्टी का इसमें इस तरीके से बॉर्डर दिया कलर मिल जाएंगे इसमें आपको एक दो तीन चार पाँच फाइव कलर्स इसमें और मिल जाएंगे पहनने के बाद आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये एंड ये भी हर स्किन टोन पे जाएगा इसमें जो कलर्स अदर जो अवेलेबल है ना वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं सिक्स एट्टी थ्री में मिल जाएगा ये आपको बस स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक का साइज़ इसमें अवेलेबल है मैंने लिया है इसमें स्मॉल साइज़ और इसका जो मटेरियल दे रखा है वो दे रखा है जॉर्जेट कुर्ते का भी और नीचे के बॉटम का भी एंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल सेट है मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी आपका बजट कम है जैसे सात सौ सा आठ सौ रुपये में आपको कुछ लेना है और आपके को दो तीन फंक्शन अटेंड करने हैं तो किसी एक फंक्शन के लिए जो शादी से पहले वाले होते हैं किसी में भी आप ये वाला ले सकते हो पहला जो सेट मैं आपको दिखा रही हूँ इतना अमेजिंग कुर्ता सेट है ना ये खुद मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा तुम इसका काम देख रहे हो उसका वर्क वाओ है यार वाओ मतलब इसमें थ्री पीस रिसीव हुए हैं आपको ऊपर का कुर्ता पूरा नीचे का बॉटम और आपका दुपट्टा तो ये है वो अमेजिंग कुर्ता सेट आगे इसमें वीनेक दिया हुआ है और पीछे इसमें ऐसे गोल सा गला है जो कि डीप नहीं है और आगे का जो वीनेक है वो भी डीप नहीं है इसमें इस तरीके का वर्क है इसका वर्क ध्यान से देखो तुम सबसे अच्छा इसका वर्क है ये धागे का काम है ये बिल्कुल दबा हुआ सा सीक्वेंस वाला वर्क है और पूरे में इतना प्यारा लग रहा है पहन के मतलब इसका डिज़ाइन पूरा फ्रंट में इस तरीके से इसमें कलरफुल से धागों का काम हुआ हुआ है हाथ पे भी सेम इस तरीके से ही वर्क है पूरा धागे का तो है ही और इस पर यहाँ पे सीक्वेंस का पूरा वर्क है फ्रंट में ठीक है और ये इसके पीछे भी सीव्स के पूरा वर्क है पीछे बैक साइड में भी इन्होंने पूरे में काम दिया है जो कि आपकी हाफ़ जो कमर है आई थिंक हा, हाँ हाफ कमर ये कवर कर रहा है ये कपड़ा लगाया हुआ है तो आपको उसके अंदर लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको उसके अंदर ना एक शॉट वाली स्पैगेटी डालनी पड़ेगी जो आपकी बस्ट ब्रा को कवर करके ही ख़त्म हो जाए ठीक है अगर आपने मेरा टॉप हॉल देखा है अमेजोन का जो मैंने परसों डाला था मतलब परसों से मतलब कैसे पता चलेगा तुम्हें तो जो लास्ट मैंने टॉप हॉल डाला था आप चेक कर लेना एक बार मेरा चैनल पर जाके उसमें मैंने एक वाइट शर्ट दिखाई जिसके अंदर मैंने शॉर्ट स्पैगेटी वेयर करी है जो कि लॉन्ग नहीं होती जो आप जीन्स के अंदर नहीं कर सकते वो शॉर्ट होती है लेकिन कम्फर्टेबल होती है वो इसके नीचे आप वे कर सकते हो क्योंकि इन्होंने ना क्या किया हुआ है कि इसके नीचे कपड़ा सिर्फ इतना दिया हुआ है जितना आपको डिज़ाइन दिख के लेना है पूरा जॉर्जेट मटेरियल दिया हुआ है एंड इसकी चाक बहुत ज़्यादा खुली हुई है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है ओवरऑल मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर ये पसंद आ रहा है ना मतलब मेरा तो दिल ही आ गया इस पर देखते ही इस इसपे मेरा दिल आ गया और इसकी जो ये बॉटम है आप देख सकते हो लास्टिक जो बेसमेंट है फ्रंट से और बैक से पूरा एक पैर की ब्रॉडनेस है काफी चौड़ा दे रखा है और अगर आप थाई एरिया से देखो थाई एरिया से भी काफी ज्यादा ब्रॉड है लाइनिंग नहीं है नीचे के बॉटम में ये चुन्नी इसमें दे रखी है पूरी एंड चुन्नी में ऐसे रफल रफल वाला पैटर्न है दोनों साइड जैसे एक सिंगल साइड इधर तो है ही ठीक है और इस साइड भी इन्होंने पूरा रफल पैटर्न दिया हुआ है देख सकते हो पहनने के बाद भी कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है और इसमें आपको सिर्फ़ एक यही कलर मिलेगा जो मैंने आपको दिखाया है और जैसा इन्होंने मॉडल पे दिखा रखा है ना बिल्कुल वैसा रिसीव हुआ है फ़ोर्टीन ट्वेंटी एट रुपीट रुपीट क्या होता है फ़ोर्टीन ट्वेंटी एट रुपीज़ का आपको मिल जाएगा चौदह सौ अट्ठाईस रुपये में इतना प्यारा काम आपको मिल रहा है यार मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक के साइज़ इसमें अवेलेबल है मैंने लिया है इसमें स्मॉल साइज़ और इसमें ना चारजट मटेरियल दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया दिया जो बॉटम का फैब्रिक है वो दे रखा है क्रेप एंड दुपट्टा भी इसका जॉर्जट मटेरियल का है कट कुर्ता है जो फ्रंट से जो कट दिया हुआ नारे, नारे है नारिया नायरा कह रही हूँ नायरा कट है आलिया कट बोल सकते हो नायरा कट बोल सकते हो तो हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपके पसंद आ रहा है तो उसे ज़रूर ले लो वन आउट ऑफ स्टॉक हो है बात करते हैं मैं नेक्स्ट कुर्ता सेट की जो कि है ये थ्री पीस सेट ठीक है मैं एक हैवी और एक सिंपल ऐसे थोड़ा सा दिखाऊंगी और ये पूरा थ्री पीस सेट है इसमें यह कुर्ता है जिसमें वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है ब्लैक कलर पे बॉटम है और दुपट्टा तो है तो पहले हम इसका ये देख लेते हैं कुर्ता तो फ्रंट से इस कुर्ते में ना इस तरीके का पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है पूरा ये थ्रेड वर्क है और ये जॉर्जर्ट मटेरियल का है थ्रेड वर्क भी इसका बहुत ही प्यारा मतलब बारीक से किया हुआ है आप देख सकते हो इसकी स्लीव्स इस तरीके से हैं ट्रांसपेरेंट एंड स्लीव्स में लास्ट पे इस तरीके से पूरा काम है ये भी पूरा आपका थ्रेड वर्क से ये बिल्कुल प्लेन है पूरा ये कुर्ता है तो काम इसके सिर्फ गले पे और स्लीव के एंड में है इस कुर्ते के अंदर एक लाइनिंग लगाई हुई है इन्होंने वैसे बड़ी हल्का सा ट्रांसपेरेंट टाइप है तो मैं सजेस्ट करूंगी इसके नीचे या तो बिल्कुल ब्लैक ब्रा पहनो आप ब्लैक ब्लैक ऑल ब्लैक स्वैग वाला काम करो का जो बॉटम है उसमें इलास्टिकेटेड वेस्ट पेंट है फ्रंट और बैक में इसका बॉटम की आप ब्रॉडनेस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है और सिंगल पैर की जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा दे रखी है एंड नीचे से इस तरीके से पूरा थ्रेड वर्क है अगर मैं बात करूँ कि इसमें लाइनिंग अवेलेबल है या नहीं तो उसमें भी एक डबल कपड़ा इन्होंने दिया हुआ है आप देख सकते हो बट ये भी हल्का सा जैसे ट्रांसपेरेंट साइड है तो सब कुछ इसके नीचे काला पहनना है पहली बार मैं सजेस्ट कर दूँगी कि सब कुछ काला पहनना है इसके नीचे कुछ वाइट मत पहनना वाइट इसमें दिखेगा लोग गलती करते हैं वाइट मत पहनना ब्लैक पहनना सब कुछ इसके नीचे और इसका ये दुपट्टा है जो कि जॉर्जर मटेरियल का ही है और इसमें भी इस तरीके से पूरा ये थ्रेड वर्क दिया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और ये पूरा चारों तरफ है बॉर्डर ठीक है पीस है आप इसके नीचे ब्लैक स्टलेटोस डाल सकते हो यानी कि हील्स डाल सकते हो जैसे मॉडल ने डाली हुई थी ब्लैक कलर की ईरिंग्स इसके साथ वे है की हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं थोड़ा सा पाकिस्तानी कुर्ता सेट नहीं लग रहा आपको पाकिस्तान साइड जैसे पहनते हैं पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है वहाँ के कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं वन जीरो फ़ाइव थ्री में आपको मिल जाएगा स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सल तक का साइज़ इसमें अवेलेबल है मैंने लिया है इसमें स्मॉल साइज इसका मटेरियल दे रखा है जॉर्जेट वन जीरो फ़ाइव थ्री पाइस है यानी कि हज़ार रुपये में आपको पूरा कुर्ता सेट मिल जाएगा वो भी आपको स्टिच कराने की जरूरत नहीं है स्टिच कराने का खर्चा बच गया आपका ठीक है आपको क्या लेना है आपको सिर्फ फैब्रिक मतलब आपको ये सिर्फ लेना है आपका पहनना है और ये भी आप बहुत अच्छी जगह पहन सकते हो उसको भी आप अच्छे से स्टाइल कर सकते हो ब्लैक और वाइट चूड़ियाँ पहन सकते हो खाली ब्लैक भी डाल सकते हो काफ़ी अच्छी लगेगी और ब्लैक या वाइट कोई वाइट बड़ी झुमके ईयर रिंग्स हैं तो वो पहन लो वरना ब्लैक पहन लो जैसे मैंने वेयर किया हुआ इसके ऊपर तो अगर आपको पसंद आए तो जरूर ले सकते हो बिना किसी डाउट नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है मतलब इतना प्यारा लग रहा है न पहनने के लिए वो कुर्ता सेट आप तुम कहोगे इसमें क्या अमेजिंग है पूरा व्हाइट ही तो है नहीं बेटा अभी सुनो जरा सबर करो जो कुर्ता है वो तो पूरा ऐसे वाइट है ठीक है इसमें यहाँ पे इन्होंने पेड्स लगा रखे हैं भगवान के लिए इसे निकलवा देना और इसके नीचे आप नॉर्मल ब्रा नहीं पहन पाओगे इसलिए इन्होंने ये ब्रा पैरेड ये आपको दिया है पर इसकी शेप उतनी अच्छी नहीं है और पैड का तुम ये देख रहे हो बीच में गैप कितना है क्या कि हमारे बूथ में इतना ज़्यादा गैप होता है नहीं ना तो ये जो है ऐसा लग रहा है कि इधर चला नहीं उधर चला ऐसे रहेंगे तुम्हारे बूथ इसके अंदर तो इसे निकलवा देना और एक अच्छी पैरेड अपना आराम से या तो उसमें अच्छे पैर सगवा लो ठीक है और तीन से चार सौ में अच्छे पैड्स आ जाते हैं तो आपको टेलर लगा देगा इसको निकाल के ये है इसकी स्लीव्स व्हाइट कलर की छिस में इस तरीके का नेक दिया हुआ है ये इतना सुंदर लग रहा है ना यार पहनने के बाद इसमें लटकन दे रखी है जो कि इसमें तो जरूरी है क्योंकि नेक इसका पीछे से ब्रॉड है पूरा बहुत ज्यादा फ्लेयर है ठीक है बहुत ज्यादा फ्लेयर इसमें दिया हुआ है कपड़ा मैं दिखा रही हूँ आपको बॉटम में फ्रंट और बैक में आपका इलास्टिकेटेड वेस्ट पैंट दिया हुआ है और बॉटम इसकी सिंपल वही वही व्हाइट कलर की है पर ब्रॉड है ठीक है ऐसा पतला सा कपड़ा नहीं दिया है और नीचे से चूड़ीदार भी नहीं दिया ये अच्छी बात है तो नीचे से भी इतनी ब्रॉड है आप अरा से आराम से वेयर कर पाओगे इसकी चुन्नी बहुत अमेजिंग है ये आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है चलो आगे ब्रॉडनेस आपको आगे दिख जाएगी जब पहन के दिखाऊँगी थोड़ा सा फिनिशिंग इसकी आप करा सकते हो थोड़े धागे निकले हुए हैं बट यार ठीक है यार इतना चलता है इसमें ना पूरे में ऐसे सीक्वेंस का वर्क है और ये पूरे में है और बीच बीच में भी इन्होंने ऐसे सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है तो जब मैंने सूट पहना हुआ है ना और साइड से चुन्नी दी हुई है और गोल्डन कलर के मैंने इसके साथ बड़े बड़े झुमके पेयर किए हुए हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसमें चारों तरफ इस तरीके से बॉर्डर है इतना तो ज़्यादा तो तो ब्यूटीफुल और अमेजिंग लग रहा है इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा है ना आप आराम से इसमें घूमते घूमते अपनी रील बनवा सकते तो वाइट कलर पसंद है ना और ये ऑफ वाइट है प्योर वैसा वाला वाइट नहीं है वाइट वाला वाइट ये ऑफ वाइट कलर है इतना अमेजिंग इसका फॉल आ रहा है इतना अच्छा ये लग रहा है थर्टीन नाइन में आपको ये मिल जाएगा और जैसा मॉडल पे दिखाया एग्जैक्ट वैसा रिसीव हुआ है मुझे तो इस बात की हैरानी है एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सएल तक का साइज इसमें अवेलेबल है मैंने लिया है इसमें स्मॉल साइज़ और इसमें फैब्रिक दे रखा है इन्होंने इसका जॉर्जेट पूरे का ही इसका अनारकली फैब्रिक दे रखा है आपका रोमन सिल्क चंदेरी फ़ैब्रिक इसका दुपट्टा है इसी वजह से दुपट्टे की वजह से ही ये पूरा जो ग्रेस आ रहा है ना इस पूरे सूट में आप देख सकते हो इतना ऑसम लग रहा है ब्यूटीफुल लग रहा है एंड ये सिर्फ मिलेगा आपको रुपीज़ थर्टीन फोर्टी नाइन में साढ़े तेरह सौ रुपये में मार्केट में तुमको ऐसा सूट नहीं मिलेगा ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने भी मार्केट के चक्कर लगाए हुए ऐसा तो है नहीं तो मुझे भी पता है कि वहाँ पे क्या मिल सकता है क्या नहीं और ये सूट बहुत अमेजिंग है यार अगर आप ये कलर पहनते हो ना आप पे अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको ज़रूर ले लें बना लो अपनी अगर तुम्हारी मम्मी दिलाने दी है उनको दिखाओ कि देखो मम्मी पहने का कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत औसम है मतलब मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँ तो कहते हैं मैंने नेक्स्ट कुर्ता सेट की जो कि है ये ग्रीन कलर का और ये बहुत सारा औसम लग रहा है आप देख सकते हो इसमें इस तरीके का पूरा आपका इसमें दो चीज़ रिसीव हुई है कुर्ता रिसीव हुआ है और एक दुपट्टा है नीचे का बॉटम नहीं है ये स्लीवलेस है तो जो लोग स्लीवलेस नहीं पहनते वो से मतलब आगे वाला सूट आप देख सकते हो ये सिंगल पीस ये दो पीस हैं जो मैंने स्लीवलेस लिए हैं तो उनमें से एक ये है ग्रीन कलर का स्लीव इसकी तरह अटैच नहीं आई है इसमें इस तरीके का शाइनिंग वाला फैब्रिक दिया हुआ है नेक आप देख ही सकते हो उसका जो ये कट है ये भी बहुत कम्फर्टेबल है एंड नीचे से पूरा ऐसे फ्लेयर दिया हुआ है फ्रॉक पैटर्न वाला तो ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी फैब्रिक है काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्राइटनेस तो बढ़ गई अपने आप पता नहीं कैसे वो भी कम्फर्टेबल है और इस तरह से स्क्वायर नेक दिया हुआ है इसमें इस तरीके की लटकन है और ये टेस्ल लगे हुए हैं टेसिल को जहाँ तक खास नहीं है, आप चाहो तो मार्केट से लेके दूसरा लगा सकते हो इसमें अंदर कोई फैब्रिक नहीं है जैसे हर कुर्ते में नीचे फैब्रिक है ना अंदर की साइड लाइनिंग इसमें कोई लाइनिंग नहीं है सिंगल फैब्रिक है मतलब बेस है ना पूरा ये इतना इतना इसमें इन्होंने कपड़ा लगाया हुआ है डबल ठीक है इसमें अंदर इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है तो जो नीचे का फ्रॉक पैटर्न है ना उसमें फैब्रिक नहीं है इसकी चुन्नी जो कि काफी ज्यादा प्यारी लग रही है आप देख सकते हो इसकी चुन्नी में ऐसे बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके से ये सीक्वेंस का वर्क है बीच बीच में बूटी बूटी जैसा डिज़ाइन ही ज़्यादा इसकी चुन्नी लंबी ही दे रखी है फाइव ट्वेंटी थ्री में आपको ये मिल जाएगा सिर्फ पाँच साढ़े पाँच सौ पांसार रुपये में आपको मिलेगा ये एंड पहनने के बाद मॉडल पे तो दिखा रखा है उसने नीचे पजामा भी पहना हुआ है बट इन्होंने इसके साथ दिया नहीं इन्हें देना चाहिए था इन्होंने मॉडल पे दिखाया है तो पर इन्होंने टू पीस सेट दिया है मैं एक बार देख लूँगी इसमें टू पीस ही है या फिर हाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बॉटम वेयर में नो बॉटम वेयर यानी कि बॉटम वेयर ये नहीं देंगे इसका फैब्रिक है आर्ट सिल्क कुर्ते का भी और कुर्ते का ही मतलब और जो दुपट्टा तो है वो तो नेट का है आप देख सकते हो इसमें साइजेस अवेलेबल है स्मॉल से के एक्सल मैंने लिया है इसमें स्मॉल साइज़ और पाँच सौ तेईस तो तो में आपको मिल ही जाएगा अमेजिंग कुर्ता सेट है ये और ये बहुत अच्छा है आपको बॉटम में वैसे कुछ पहनने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इसकी लंबाई इतनी है बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं नीचे कुछ पहनना है तो आप कुछ भी डार्क ग्रीन या फिर ब्लैक या कुछ भी डाल सकते हो ज़्यादा शो नहीं होगा तो ये मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है थोड़ा गुचड़ मुछुर कर दिया मैंने बड़े अच्छा है सिंपल में साढ़े पाँच सौ रुपये में एक अच्छा पीस है अच्छा कलेक्शन आप कर सकते हो आपको वो अगर किसी की मेहंदी पे कुछ पहनना है तो आप इसको ले सकते सेट है ना वो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो ये है वो ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट इसका इसमें थ्री पीस रिसीव हुआ है कुर्ता है बॉटम है और दुपट्टा है उन बाद में दिखाऊंगी पर पहले कुर्ते की बात कर लेते हैं इसमें ये नेक है आपको लग रहा होगा छोटा है बट नहीं पहनने के बाद ये बहुत प्यारा लग रहा है इसमें इस तरीके का वर्क है पहन के तो मैं आपको दिखाई दूंगी पहले आप काम पर ध्यान दो इस पर ही इस तरीके से धागे का वर्क है और ये पूरे में सीक्वेंस का वर्क है आगे इस तरीके से पूरा डिज़ाइन है कुर्ते पर ठीक है इसकी इस्टीज़ पे भी पूरे में ऐसे वर्क दिया हुआ है इन्होंने ठीक है कितना अच्छा है। इस पर यहाँ पर भी सीक्वेंस का काम है और बहुत अमेजिंग इस पर पूरा काम दिया हुआ है एंड इसमें ना इस तरीके की ये शेल्स लगा रखे हैं तो आप ये शेल्स को या तो दोबारा स्टिच कर लेना क्योंकि ये धागे थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं और दो का तो मैं दो तो शेल मेरे हाथ में आए गए थे बट वो अपर से टॉप से नहीं आए थे हम मतलब लोग कुर्ते से वो बॉटम में से निकले थे हम बॉटम आपको दिखाऊंगी सीज पे पूरे पे सेम ही वर्क है तर नीचे से ऐसे प्लेन जा रहा है और ये कुर्ते की जो लंबाई है बिल्कुल मेरे एंकल तक है बिल्कुल लंबा जैसे पंजाबी साइड पंजाब साइड में पहनते है वैसा वाला कुर्ता है और ये इसकी चाक खुली हुई है साइड से काफी लंबी चाक इसकी खुली हुई है क्योंकि लंबा कुर्ता था, था इसमें इस तरीके से गोटा पट्टी का काम है अंदर से पूरे में लाइनिंग दी हुई है एंड इसमें नीचे पूरे में ऐसे शेल लगाया हुआ है दो तो ही साइड में इसमें नीचे शेल लगाया हुआ है फ्रंट और बैक में ये इसका बॉटम दिया हुआ है फ्रंट और बैक से इलास्टिकेटेड वेस्ट पेंट है बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर है जैसे कुर्ते का है पता नहीं ऐसे कुछ हो रहा है इस पर वीडियो पे आते हैं पर ये इसकी ब्रॉडनेस आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और इसमें नीचे भी इस तरीके से पूरा काम दिया हुआ है पूरा थ्रेड वर्क है सीक्वेंस का है और ये पूरे शेल लग रहे हैं इसमें भी पूरे में इस तरीके से पूरी लाइनिंग लगी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक कुर्ते में भी और आपके बॉटम में भी और ये बहुत अमेजिंग है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बात करते हैं इसके चुन्नी की जो कि है ये चुन्नी इसकी काफ़ी प्यारी है इस इसमें भी सेम इस तरीके से वर्क दिया हुआ है बीच में पूरा प्लेन नेट है और चारों तरफ इस तरीके से पूरा बॉर्डर दिया कि जो लेंथ है ना वो इतनी लंबी है कि यार्ड में जिनकी हाइट फाइव फोर फाइव थ्री फाइव टू फाइव वन मतलब फाइव है उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी ये कुर्ता सेट ये है ही लंबी लड़कियों के लिए जिनकी हाइट लंबी हो मैं सच बताऊँ ये मेरे लिए भी लंबा था मैं फाइव सिक्स मेरी हाइट है बट हील्स के ऊपर ही चल जाएगा मेरे लिए बट अगर आप और लंबे हो फाइव सेवन फाइव एट फाइव नाइन के करीब हो तो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिट रहेगा इसको लेना क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है और आपको सिला सिलाया आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एक बहुत ब्यूटीफुल कुर्ता सेट मिल जाएगा फिफ्टीन थर्टी फाइव रुपीज़ में मिल जाएगा आपको ये इसमें सिंगल यही कलर अवेलेबल है इसमें दो ऑप्शन आते हैं एक आता है फ्री साइज एक आता है मीडियम मैंने लिया था मीडियम मैं फ्री साइज पे नहीं गई थी आप चाहो तो फ्री साइज़ लेके देख सकते हो बट मीडियम मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हुआ है आप कुछ बहुत ज्यादा सुंदर ढूंढ रहे हो ना और आपका बजट भी बिल्कुल सही है इसे वे कर सकते हो और अगर आप खुद एक ब्राइड हो ना आपकी खुद की एक मेहंदी है और आप नहीं चाहते बहुत ज्यादा खर्चा कर दो उस पर तो आपके लिए पंद्रह सौ रुपये में यार ये बहुत प्यारा सूट है तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हैं तो बात करते हैं मैं नेक्स्ट कुर्ता सेट की जो कि है ये और ये सबसे हल्का कुर्ता सेट है मैं सच बताऊँ ये बड़े वाले जो थोड़े ज़रा हैवी साइड पे थे तो अब मैं तो आपको थोड़ा सा लाइट दिखाना शुरू करूँगी सेट आप देख लो तो थ्री पी सेट रिसीव हुआ है बॉटम है दुपट्टा है और कुर्ता है कुर्ते में आप जल्दी से देख लो डार्क ब्राउन कलर का आप देख सकते हो बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर है इसमें ये पूरा थ्रेड का वर्क यूज़ हुआ है वीनाक इसमें दे रखा है कम्फर्टेबल है इसके स्लीव पे भी इस तरीके से पूरा धागे का काम और सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है एंड स्लीव के लास्ट में इस तरीके से पूरा धागे का काम है कलर तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है ये कलर तो हर किसी पे सूट करेगा डार्क ब्राउन कलर आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये मुझ पर सूट नहीं करा कलर ये बिल्कुल सूट करेगा ऊपर से नीचे तक भी इसमें इस तरीके से ये धागे वाला पूरा वर्क दिया तो पूरी ये लाइनिंग रिसीव हो जाएगी आपको जो कि काफ़ी ऐसे लंबी सी है बोलो पूरी फुल लाइनिंग दी हुई है कुर्ते में जो कि बहुत कम्फर्टेबल रखी कॉटन की इस मुझे लाइनिंग लग रही है बहुत सॉफ्ट एडिकेटेड वेस्ट पेंट है इसकी थोड़ी बॉटम थोड़ी सी मुझे टाइट लगी जो इसकी इलास्टिक है बट ठीक है कंफर्टेबल है एंड इतना वो वो नहीं है टाइट बट ठीक है एंड इसका ये यहाँ पर ब्रॉडनेस आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है फ्रंट से अगर आप देखो थाई पार्ट जो है इसका जो थाइज़ पे आएगा आपके वो इतना ज़्यादा ब्रॉड है और ये पूरा नीचे तक इतना ज़्यादा Uh, इसकी जो ब्रॉडनेस है काफ़ी ज़्यादा है नीचे इसमें इस तरीके से पूरा धागे का काम है और इसमें भी ना यहाँ पे ऐसे देखो देखो ना शाइन आर एस सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है दुपट्टा इसका बहुत सारा सॉफ्ट है और ये इसका दुपट्टा है इसके दुपट्टे में इस तरीके का बादल जैसा दे रखा है पूरा धागे का काम और इस तरीके से पूरा पैच वर्क है बीच बीच में जो कि धागे का बना हुआ है मतलब इस तरीके से और डिज़ाइन ये पूरे ही दुपट्टे पे है जो पहने के बाद बहुत औसम लग रही है ज़्यादा प्यारा लग ही रहा है इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है ये इसमें आपको फोर कलर मिलेंगे एक वो जो मैंने आपको दिखाया डार्क ब्राउन एक आपका ब्लू ग्रीन और ब्लैक मिल जाएगा इसमें सारे ही साइजेस अवेलेबल हैं एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक के साइज इसमें अवेलेबल हैं मैंने इसमें स्मॉल साइज़ लिया है ये आपको मिल जाएगा आ, एक सेकेंड इसलिए मिल जाएगा आपको आर्ट सिल्क फैब्रिक में टॉप भी और बॉटम भी थ्री कॉर्डर स्लीव्स हैं इसमें एंड इसमें आपको जो प्राइस है वो दे रखा है सेवन थर्टी सिक्स यानी कि आपको साढ़े सात सौ से भी कम प्राइस में आपको रिसीव हो जाएगा पूरा कुर्ता सेट जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है अगर आप भी और uh, किसी छोटे मोटे फंक्शन में से आराम से वेयर कर सकते हो और प्रक्षाबंधन हो निकल गई पर भाई दोज भी आ रही है तो आप वहाँ भी इस पर वेयर कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा ताम धाम वाला ऐसा कुछ है भी नहीं पहनना है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर ले सकते हो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो ये है जो मैंने पहना हुआ है इसमें दुपट्टा भी है जो मैंने नहीं डाला ठीक है क्योंकि वो माइक पर बार बार लगता है आपको आवाज़ से प्रॉब्लम होती और ये पूरा चिकनकारी वर्क दिया हुआ है इसमें और इसमें यहाँ पे इस तरीके से पूरा ये बॉर्डर आ रहा है ठीक है इसकी ये स्लीव्स हैं देख सकते हो आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है तो फ्रंट और बैक से ही इसका बॉटम दिया हुआ है मतलब सॉरी रास्टिकेटेड दिया हुआ है और इसका ये थाई पार्ट आप देख सकते हो काफी ज्यादा ब्रॉड है थोड़ा सा ऐसे प्लाजो स्टाइल है इसमें अंदर पूरे में लाइनिंग दी हुई है नीचे इसमें इस तरीके से पूरा लेस पैटर्न है और यही लेस पैटर्न इसके यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है और इसके दुपट्टे में भी यहाँ पे पूरे में ऐसे लेस पैटर्न दिया हुआ है ब्यूटीफुल लग रहा है और इसमें सिर्फ एक सिंगल यही कलर अवेलेबल है मतलब यही कलर दिया हुआ है एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सल तक के साइज़ इसमें अवेलेबल हैं इसमें स्मॉल साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग अपना साइज़ परचेज कर सकते हो मटेरियल वो दे रखा है विस्कोस कुर्ते का फैब्रिक दे रखा है जॉर्जेट पूरा चिकनकारी वर्क है इस पर टॉप टू बॉटम एंड ये पूरा हैंडमेड तो चिकनकारी नहीं है मशीन वाला ही है कुर्ते में भी पूरे में अंदर लाइनिंग दी हुई है फ्रंट और बैक में स्लीव्स में लाइनिंग नहीं है स्लीव भी इसकी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है पैनो तो इसे जरूर लेना क्योंकि ये काफी अमेजिंग है काफी प्यारा लगेगा रिकमेंड करूंगी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर ले बात करते हैं मेरे स्टिच सूट में लास्ट कुर्ता सेट दिखा रही हूँ जो स्टिच है उसके बाद आपके अन शुरू हो जाएंगे तो ये वाला है कुर्ता सर सिंपल कॉटन का मैंने सोचा कुछ सिंपल भी मंगाते हैं जो घर पे भी आप आराम से डाल सको और आप इसे मार्केट में भी पहन के जा सको तो थ्री पीस रिसीव हुए हैं इसमें कुर्ता है तो पट्टा है और बॉटम है ये स्लीवलेस है तो स्लीवलेस नहीं पहनते तो आप आगे की तरफ जा सकते हो अगर आप स्लीवलेस पहनते हो तो फिर ये बिल्कुल आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसके बारे में ज़रूर सुनना और देखना इसमें ये बहुत ब्यूटीफुल सा नेक दे रखा है जो काफ़ी प्यारा लग रहा है इसका ये पूरा ऐसे कट दिया हुआ है जो आपको ऐसे आएगा ठीक है एंड इसमें आप इसका पूरा प्रिंट दिया हुआ है वाइट कलर का ब्लू कलर पे इसमें कोई भी ऐसा मोटा मोटा सा सीक्वेंस धागा ये सब काम नहीं है ये बिल्कुल सिंपल ब्लू पे वाइट कलर का पूरा प्रिंट दिया हुआ है इसके अंदर लाइनिंग भी नहीं है कुर्ते के इसका जो नेक है थोड़ा सा मतलब गोल गला दिया हुआ है बहुत स्मार्ट लग रहा है तो अगर आप इसे ऑफिस वगैरह भी वेयर करके जा सकते हो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है तरीके की डोरी दी हुई है एंड डोरी में इस तरीके का टेस्ट लगा हुआ है फ्रंट से और बैक से लास्टिक वेस्ट पेंट एंड ये पूरा ब्रॉड सा दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके ना पूरे ही नीचे के बॉटम में प्रिंट है फ्रंट और बैक में जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये है इसका कॉटन का दुपट्टा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना और इतना प्योर ब्याहत ही प्यारा सा कॉटन है एंड बहुत कंफर्टेबल है लंबा भी है ब्रॉड भी है और इस पर इस तरीके से पूरे में ऐसे प्रिंटेड है ये इसमें आपको एक ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन और मिल जाएगा उसमें ग्रीन पे वाइट कलर का काम है जैसे इसमें ब्लू पे वाइट कलर का काम है ये मिल जाएगा आपको सिर्फ फाइव थर्टी फोर रुपीज में एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक के साइज इसमें अवेलेबल है मैंने लिया है इसमें स्मॉल साइज इसका जो कुर्ते का फैब्रिक है वो दे रखा है कॉटन बॉटम का भी कॉटन का है और इसका जो दुपट्टा तो है वो भी कॉटन का है एंड थ्री क्वार्टर स्लीव इसमें मैंशन कर रखी है पर कोई स्लीव इसमें नहीं आई है स्लीवलेस आया है और मॉडल पर भी स्लीवलेस ही दिखा रखा है दोनों इन्होंने स्लीव क्यों इसमें बोली है बहुत अमेजिंग लग रहा है लेकिन पहनने के बाद खुद देख सकते हो काफी स्मार्ट पीस लग रहा है साढ़े पाँच सौ रुपये में आपको ये कपड़े के सही सिला सिलाया मिल रहा है बहुत अच्छा इसका एक बेनिफिट होता है ऑनलाइन लेने का यही कि सब कुछ आपको सिला सिलाया मिलता है कि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लेना अगर आप कॉटन में कुछ ढूंढ रहे हो आप स्लीवलेस पहनते हो तो।, तो मैं आपको पीस दिखा रही हूँ वो स्टिश नहीं है तो वैसे पहन के तो नहीं दिखा सकती मैं उसका कपड़ा आपको सामने से दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है पर वो काफ़ी ब्यूटीफुल है वाइट और पिंक कलर के दुपट्टे का इसमें वर्क है तो ये रिसीव हुआ है मुझे वाइट कलर का पूरा एंड इसमें ये पूरा सीक्वेंस है मतलब वाइट पे वाइट कलर के सीक्वेंस का वर्क दिया हुआ है आप देख सकते हो पूरा ये ऐसे वाइट धागा जा रहा है इस सीक्वेंस की ऐसे बॉर्डर जा रहा है इस तरीके से ये कुर्ता है जॉर्जेट मटेरियल का इसमें इस तरीके से नेक पूरा बना हुआ आया है आप देख सकते हो एंड इस पर ये पूरा सीक्वेंस का, का काम है पूरे कुर्ते पे फ्रंट में एंड ये बैक से लेकिन बिल्कुल प्लेन है ठीक है तो जो इसका बैक है वो बिल्कुल प्लेन जॉर्जेट आएगा वाइट कलर का इसके अंदर मैं आप चिंता मत करो मैं अभी आगे आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर ये पूरा कुर्ता है एंड इसकी जो लंबाई है बिल्कुल आपको थाइस तक आएगी आपकी थाई तो कवर कर ही लेगी कपड़ा रिसीव हुआ है आप आ, देखो मैं खुद से तो नहीं बता सकती है कितना कपड़ा होगा बट आई थिंक ये आपके कुर्ते में तो लग ही जाएगा ठीक है कुर्ते के हिसाब से तो उन्होंने दिया ही हुआ है एंड आई इसमें आपका कुर्ता और बॉटम आई थिंक बन जाएगा इसकी चुन्नी बहुत प्यारी है इस चुन्नी पे पूरे में पे फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है एंड इस पे यहाँ पर ये सीक्वेंस का काम है सिर्फ उनके लिए मंगाया है जिनको ऑनलाइन साइज अपने नहीं समझ में आते कहीं से भी टाइट या छोटा और बड़ा रह जाता है तो वो लोग ऐसे कपड़ा ले सकते हैं मैंने आपको वाइट कलर दिखाया है आप इसमें यह कलर अवेलेबल हैं अगर आपको दिख रहा होगा ये पूरे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं तो आपको मिल जाएगा ब्लू पिंक येलो पीच आपका मिंट ग्रीन कलर मिल जाएगा पिंक कलर मिल जाएगा और ये वाइट पे ये दुपट्टा कितना मतलब देख सकते हो आप ये कितना अमेजिंग लग रहा है ये आपको सिर्फ पाँच सौ रुपये में मिल जाएगा पाँच सौ तीन रुपये में और एक ही साइज इसमें अनिश्चित तो दे, दे रखा है जॉर्जेट मटेरियल है टॉप का टॉप की जो लेंथ है वो है सवा दो मीटर यानी टू पॉइंट टू फाइव मीटर दे रखी है बॉटम का जो फैब्रिक है वो दे रखा है शंतून जो इसका जो ये वाइट कलर का ही शंटून दे रखा है शंटून फैब्रिक बहुत अच्छा होता है लाइनिंग के लिए भी और बॉटम के लिए भी एंड इसमें आपको बॉटम की जो लेंथ है वो मिल जाएगी टू पॉइंट जीरो वन से लेके टू पॉइंट टू फाइव मीटर तक इसका दुपट्टा जो है वो है दो से सवा दो मीटर तक का इसका दे रखा है तो बहुत प्यारा है सभी के दुपट्टे बहुत ज़्यादा प्यारे तो जो नेक्स्ट कुर्ता है मेरा जो लास्ट है ना लास्ट पीस है ये इस मीशो हॉल का एंड ये भी अनस्टिश्ट है ये देख सकते हो उस तरीके से रिसीव हुआ है मुझे ये काफ़ी ज़्यादा सटल और प्यारा कलर लगा तो मैंने ये मंगा के देखा है अगर आपको इस तरीके का और कुर्ता सेट देखने हो जो स्टिच नहीं है तो ऐसी वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मैं कोई भी कुर्ता ऐसा नहीं मंगाऊंगी जो कि ऑलरेडी सिला सिलाया हो मैं इस तरीके के फैब्रिक मंगा के आपको दिखा दूँगी जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगा और आप खुद के लिए मंगा सकते हो एंड अगर आप चाहो तो मैं वीडियो बनाऊँगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना इसका कुर्ता यार ये कितना प्यारा कलर है और ये बहुत सॉफ्ट है और गहसा मटीरियल आई थिंक ये बहुत बल्कि सॉफ़्ट है इसमें ये फ्रंट में इसका धागे का काम दिया हुआ है नैक पैटर्न है और ये पूरे में ये थ्रेड वाला वर्क है ठीक है नेट पे मतलब थ्रेड वाला वर्क है नीचे इस तरीके से पूरा ये थ्रेड वर्क दिया हुआ है तो बैक साइड से ये पूरा प्लेन कपड़ा आएगा आपका एंड इसकी स्लीव्स जो हैं वो भी आई थिंक प्लेन रहेंगी या हाँ प्लेन रहेंगी इसकी स्लीव्स और ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा आपको अगर आप इसके अंदर फैब्रिक लगवाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है वैसे तो एंड आप देख सकते हो आई थिंक ये भी शंटून है हैंड की जो लंबाई है इन फाइव कर लो उतना लंबा ये कपड़ा है मेरा हाथ काफ़ी लंबा है ठीक है तो ये है इसका ब्यूटीफुल सा दुपट्टा जिसमें कि दुपट्टा सृष्टि दिया इन्होंने तो इसमें इस तरीके का इसमें बॉर्डर दिया हुआ है दिया हुआ है दुपट्टे में एंड ये पूरा इस तरीके से इसमें छोटे छोटे फ्लोरल फ्लावर्स बना रखे हैं वाइट कलर से थेट के तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये भी पहनने के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप न्यूली मैरिड है तो ये तो चूड़े वूढ़े के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा कलर इसमें आपको तीन कलर मिल जाएंगे एक तो ये कलर जो मैंने आपको दिखाया एक है येलो देख सकते हो और एक है ब्लैक चार सौ चालीस रुपये में अच्छी बात है इन्होंने फैब्रिक तो सस्ता दिया कम से क्योंकि स्टिचिंग में हज़ार रुपये तो मैं लुट जाएंगे तो चार सौ चालीस रुपये में मिल रहा है आपको पूरा फैब्रिक और गैनसा मटेरियल है मुझे छूने में ही लग गया था टॉप की जो लेंथ है वो दो मीटर है बॉटम की लेंथ दो मीटर दे रखी है और दुपट्टे तो लेंथ है वो है टू पॉइंट वन मीटर अच्छा लगता है उससे ज़रूर लेना काफ़ी प्यारा ये आपको रिसीव होगा मेरे अमेजिंग साइज जो मैंने आपको फोर्टीन आई थिंक थर्टीन या फोटीन पीसेस दिखाए हैं इसमें से ग्यारह तो सिले सिलाए से हैं दो सिले सिलाए से नहीं है अगर तो आपको बिना सिले हुए सूट और देखने हैं ना तो आप मुझे ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में जिससे मैं स्पेशली इस पर अलग से एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए एंड सिले सिलाई सूटों में तो आपको बहुत ऑप्शन मैंने दे दिए सस्ते से लेकर थोड़ा सा महंगे तक या पंद्रह सौ रुपये में ये सूट नहीं मिलते हैं आपको पता मार्केट जाते होंगे बहुत अच्छा काम है हर एक सूट पे बहुत ही चीप सा या अजीब सा बॉर्डर नहीं दिया हुआ सब पे या तो धागे का काम है या तो सीक्वेंस का काम है काफ़ी अच्छा वर्क है तो अगर आप शादी वगैरह के लिए क्योंकि अब ओकेजन शुरू हो ही गए हैं दिवाली भी आ जाएगी शादियाँ भी आई रही हैं प्लीज़ यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ अपनी क्या सहेलियत अपनी सारी होती है सभी की अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो उनको भी बोलो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करें अपने घर में एंड आपके घर में जितने भी फ़ोन है सबसे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए प्लीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है मुझे पता है सेलेक्ट करते हैं मेरी ऐसी की तैसी होने वाली है तो जल्दी से मिलते मेरी नेक्स्ट वीडियो पर आई थिंक एक दो तो दिन में हम मिल जाएंगे तो तब तक के लिए बाय अपना ख्याल रखना और सेफ रहना मिलते मेरी नेक्स्ट वीडियो पर बहुत जल्दी तब तक के लिए बाय